क्या हुआ? मुझे ना आपका एक शर्ट चाहिए। मेरा शर्ट? क्यों चाहिए तुमको मेरा शर्ट? मुझे आपका एक शर्ट पहनना है। ओहो, किट्टी पट्टी होने वाली है हमारे घर में, और किट्टी पट्टी का थीम है अपने हस्बैंड लोगों के कपड़े पहनना। यानी कि आप जो शर्ट पैंट पहनते हो, वैसे हम शर्ट पैंट पहनेंगे अभी किट्टी पट्टी में। तुम भी एक काम करो, अपनी जो साड़ी है ना वो मुझे दे दो, मैं पहनता हूँ। कौन से दो? लाल पीली? पागल औरत। ठीक है पहन सकती हो कोई शर्ट, नया मत खोलना, बस पुराना ही पहनना। क्या हुआ? कॉकरोच 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 परेशान कर रहा है। कॉकरोच? हाँ कॉकरोच, छोटा सा कॉकरोच। मेरी प्यारी खरगोश। फालतू की थीम दे दी, ये कौन सी थीम हो गई? पति के कपड़े पहनो, हमारे पास क्या कपड़े नहीं है। किटी पार्टी है, कुछ अच्छा थीम दे देते, कुछ भी भैया थीम दे देते। नहीं जा रही मैं किटी पार्टी में, यहीं पे रहूंगी। बैठ तो सकते हो ना? बैठ तो गए, अब क्या पूछ रहे हो? उठने के बाद बोलोगे मेरा ही रूम, मेरा ही बेड, मेरा ही घर। शीला वैसी बात नहीं है, अभी भले ही तुम मेरी पत्नी ना सही पर नाम की तो हो, लोगों की नजरों में तो हो, इसीलिए जितना इस कमरे पे मेरा हक है उतना तुम्हारा भी है। पता है मुझे, इसलिए तुम खटिया के नीचे सो रहे हो। मूड खराब क्यों हुए? किटी पार्टी में जाने वाली थी ना, क्या हो गया उसका? नहीं जाना मुझे। क्यों नहीं जा रहे, कैंसिल हो गए? कैंसिल नहीं हुई, उन्होंने कुछ थीम रखी है घटिया। हमारा अच्छा होता है, हम ये थीम वीम की तरफ ध्यान नहीं देते, अपने काम की तरफ ध्यान देते हैं बस। पीने का? एंजॉय करने के। पार्टी एंजॉय के लिए तो होती है, लड़कों का एंजॉय यानी सिर्फ ये नहीं होता, हम अपने दोस्त मिलके सब गाने गाते हैं, डांस करते हैं। अच्छा तो तुम लोग कुल मिलाके वो सारी चीजें करते हो जो तुमको नहीं आती। वैसे थीम क्या रखी है जिसकी वजह से तुम इतना नाराज हो गए? क्या कर लोगे तुम जान के? ठीक है मत बताओ। अभी पूछ लिया तो बता देती हूँ। लड़कों के कपड़े पहनने हैं। लड़कों के कपड़े? तो पहनो, वैसे भी तुम्हारे पास काफी लड़कों के कपड़े हैं। वो नहीं पहन सकती मैं। तो कैसे? उन्होंने कहा कि जो पति है उसके कपड़े पहन के आने हैं। तो इसमें इतना ड्रामेटिक होने की क्या जरूरत है मैडम? देता हूँ मैं मेरा कोई शर्ट, पहन के जाओ। वही तो नहीं चाहती मैं, तुम्हारे कपड़े पहनना। छी, इतने घटिया होते हैं तुम्हारे कपड़े। घटिया क्या, बहुत अच्छे शर्ट थे मेरे, मेरा कलेक्शन देखा ना, तुम्हारे कलेक्शन के आगे तो फेल हो जाएगा। अच्छा? देखना चाहती हो? एक से बढ़कर एक है, तुम्हें जो पसंद आएगा वो पहन के चले जाना। तुम्हारे पास कोई ऐसा शर्ट है जो तुमने अब तक नहीं पहना हो? हाँ नहीं, मैंने सारी पहन ली है। रहने दो यार, फिर मुझे नहीं पहनने तुम्हारे कपड़े। ये देखो मेरा हाथ, देखो ना, देखो करीब से देखो। क्या देखो? नहीं, इसके ऊपर कांटे दिख रहे तुम्हें? कांटे नहीं है मेरे ऊपर, जो मेरे शर्ट पहन के तुम्हें चुभेंगे। जलवा है हमारे शर्ट्स का, तुम क्या समझो? नहीं पहनना तो मत पहनो, पर मेरे शर्ट्स को घटिया मत बोलना, समझ गए? घटिया? अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम नहीं जाना चाहती ना वही बहुत अच्छा है। क्या है वैसे भी जाके क्या करोगे वहां पे? तुम एंजॉय करोगे, किटी पार्टी करोगे, उससे अच्छा माँ आज तुम्हें एक बहुत अच्छी रेसिपी सिखाने वाली है, कुकिंग की एडवांस क्लास है ना आज, मजा आ जाएगा, करो वो। अगर किटी पार्टी में जाती तो फिर वहां पे जाके एंजॉय करती, ये कुकिंग का क्लास मिस हो जाता। पर नहीं, आपको तो हमारा शर्ट नहीं पहनना, हमारा शर्ट घटिया है, हमारे शर्ट के ऊपर काटे है, तो आप जाओ और मम्मी के साथ कुकिंग करो, यू डिजर्व दैट। सुनो, दे दो कोई तुम्हारा शर्ट, एक ही दिन की तो बात है। नहीं नहीं अभी मेरा मूड चला गया, अभी मैं नहीं दूंगा मेरे शर्ट्स। दो यार, तुम्हारी तो हद हो जाती है। ठीक है देखो वहां पे तुम्हें जो पसंद आता है ले लो। अच्छा वॉश कौन से किया है? धोखे रखे है सारे। सॉरी, हाँ रख दिया मैंने। हाँ, चंपा की शादी के बाद अभिजीत पी के आया था। क्या किया मैंने कल? पहनो चुपचाप। उस दिन कपड़े चेंज करने के बाद उसका यह कुर्ता मेरे पास ही रह गया, यही पहनती हूँ मैं। वैसे भी अभिजीत मेरा दोस्त ही है।
दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके हमको मजा आ रहा है, हमको मजा आ रहा है, लेकिन छुपके छुपके। हेलो माँ, तो दिस इज माय टुडेज लुक फॉर किटी पार्टी। माँ आप तो जबरदस्त दिख रही हो, पापा आपके सामने कुछ भी नहीं। सुंदर है ना माँ पहले से बहुत। शर्मिला तुम कहाँ रह गई, तुम भी आओ जल्दी बाहर। भाई ये बड़ा अजीब दिख रहा है मेरे ऊपर। शौक तो तुम्हें ही था ना बहुत, आओ जल्दी बाहर। ससुर जी मुझे डांट देंगे। अरे कुछ नहीं करके ससुर जी, है ना कुछ नहीं करोगे। सुन भाई शर्माने की कोई बात नहीं है, तुमने कुछ उल्टा सुलटा नहीं बस अपने पति का शर्ट पहना है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें, आ जाओ बाहर। भाई ससुर जी सच्ची? हाँ सच्ची सच्ची, आ जाओ। पक्का वाला सच्ची? पक्का वाला सच्ची। ससुर जी मुझे बड़ी तो अच्छा अभी आप जाइए, हमें किकी पार्टी करनी है। हाँ ठीक है पापा, चलो हम भी पार्टी। क्या हम भी चलते हैं कहीं? मैं मंदिर जा रहा हूँ। चलो माँ मैं आता हूँ, आप दोनों करो एंजॉय, हम भी करते हैं। हाँ हम भी जाते हैं अभी, यहाँ रुक के क्या करें ना। एक्चुअली वो फाइल मेरे पास नहीं है, मैंने आपको दी थी मैडम। नहीं नहीं मैम, I'll talk to you later. कैसा लग रहा है? अच्छा दिख रहा है। यही एक पसंद आया मुझे, बाकी सब तो। बोलो बोलो बाकी तो सब क्या? ठीक ठाक थे। मैं ब्रांडेड, मेरा पति का ड्रेस ब्रांडेड, लगती हूँ मैं जैसे अमेरिका से हुई हूँ लैंडेड। सासु माँ आ गए, हम तैयार होकर। कैसा दिख रहा है? सुशील? सुशील नहीं, सुशील की बीवी हूँ मैं, सुमित्रा सुशील झा। क्या बात है बहुरिया, आज तो कतई जहर लग रही है तू। थैंक यू सासुमा, वैसे आप भी काफी अच्छे दिख रहे हो। चलो चलो बाहर चलते हैं, सबका लुक देखते हैं, मुझे देखना है सब, खास करके वो रसगुल्ला क्या पहना है पता नहीं किसको। बस वही तो काम है तुझे, लोगों की जिंदगी में ताक झाक करना, उसके अलावा आता कहाँ है। कुछ बोला आपने, चल चल देर हो रहा है। मुझे अच्छा शर्वरी जी, रसगुल्ले बाहर निकल जल्दी है। जोया जी आइए जरा जल्दी बाहर, देखने तो क्या क्या पहना है किसी ने। ये जोया बेन ने जो पहना है कहीं पे देखा हुआ लगता है। देखा हुआ ही है, सोसाइटी के प्यारे बॉडीगार्ड का प्यारा प्यारा सूट पहना है जोया जी ने। क्यों ये बाबू? मैंने देखा तब अपनी आंखों से। आपको ताकझाक करने के अलावा कोई काम है आपके पास? तो वो भी नहीं। और वैसे ये क्या पहना है शर्वरी जी आपने, लाल कलर का कुर्ता, किसका आया? पता नहीं किसका पहना है सर्वरी बहन ने। मुझे पता है ये किसका है। ए बाहुरिया बहुत देर हो गया, चलो चलते हैं शर्मिला के घर। हाँ चलो चलो। अरे शीला रह गई ना, शीला 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 अभिजीत का आइकॉनिक ड्रेस पहना है काफी अच्छी। शर्वरी जी, और शर्वरी जी ये देखो कैसा दिख रहा है अभिजीत का ड्रेस, पुरानी यादें ताजा हो गई क्या? पात्मा शारत। शर्मिला खोलो जल्दी दरवाजा, सब तैयार हो गया। ओहो शर्मिला आज पहली बार तुमको साड़ी से छोड़ के कुछ अलग कपड़ों में देखा है। थैंक यू, वैसे मुझे ना बड़ा अजीब लग रहा है इन कपड़ों में, जरा शर्म। शर्म नहीं करनी चाहिए, शर्माने का क्या है इसमें, मुझे देखो भाई। शर्म
चलिए देर हो रहा है, चलो चलो ए आ जाओ साहब, आ जाओ साहब। हेलो आ जाओ सुमित्रा, आओ बैठो। हेलो आ जाओ, ये सची बहन बैठी है। हाय रे आओ का आओ आओ मिस ब्यूटीफुल, ये किसका पहना है हा? मैं नहीं बताऊंगी। छोड़ो जिसका भी हो, हमें क्या ऐसा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। बैठ बैठ तू बैठ। इतना कुछ हो गया है फिर भी मैडम के भाव देखो 210, टमाटर से ज्यादा हो गए। आओ आओ जोया डार्लिंग, क्या डैशिंग दिख रही हो तुम इस सूट में। ए रुक, किसका है ये सूट? मुझे ऐसा लगता है मैंने इसको पहले कहीं देखा है, कहीं उस बॉडीगार्ड का तो नहीं? श्याम की दादी ये देखिए, सोसाइटी में उनके अलावा मेरा कोई भी ऐसा दोस्त नहीं है। दोस्त? तेरा कब दोस्त बन गया वो? जब एक दूसरे को हेल्प करने की जरूरत होती है तब हेल्प करते हैं, तो उन्हें मैं अपना दोस्त ही मानती हूँ। श्री आपकी दादी हमेशा दो प्यार करने वालों के बीच आ जाती है, अभिजीत और शर्वरी के रिश्ते को इन्हीं की नजर लग गई होगी। ए फुसके गेट लॉस्ट, अम्मी ये मैं हूँ आपकी बेटी। शीला तुमने फुसके का शर्ट पहना? हाँ तो कोई ऑप्शन नहीं था ना। अगो भाई अब तुमको पतियों में भी ऑप्शन चाहिए? भाभी हस्बैंड की बात नहीं कर रही मैं, ड्रेस की कर रही हूँ। अच्छा मैं इधर बैठो, सब आराम से बैठ जाओ क्योंकि हमारा किटी पट्टी का प्रोग्राम अभी शुरू होने वाला है। इस बार की किटी पट्टी सबसे ज्यादा यूनिक होने वाली क्योंकि आपको थीम से ही पता चल रहा होगा, सब एकदम डैशिंग अवतार में आए हैं। और इस बार की किटी पट्टी का गेम भी बहुत डैशिंग रखा है, ऐसा नॉर्मल सा गेम नहीं, बड़ा हटके गेम रखा है। अभी देखिए इस बार किटी पट्टी में एक ही गेम होगा और उसमें जो जीतेगा वही खर्ची उठाएगा। अभी मैं आपको गेम समझा देती हूँ, बड़ा हट के गेम है, आज तक किट्टी पट्टी में ऐसा गेम हुआ ही नहीं है। ठीक है तो एक बॉल है उसके अंदर मैंने चिट्ठिया करके डाली है, अभी इसमें से चार चिट्ठिया उठाएंगे चार जन, एक मैं, एक मेरी सासू माँ, एक सुमित्रा और एक शर्वरी जी। ए शर्मिला ये क्या मतलब हुआ, तुम भी चिट्ठी उठाओगी तो हर सास भी चिट्ठी उठाएगी, ये गलत बात है, हर घर से बस एक जन कोई चिट्ठी उठाएगा। अच्छा ठीक है मैं एक उठाती हूँ, सुमित्रा तुम एक उठाओ, शर्वरी जी आप, जोया जी आप, ऐसा चार जन उठाएंगे, चिट्ठी में जिसका भी नाम होगा उसके साथ आपको गेम लड़ना पड़ेगा और गेम है हाथ का पंजा, आपको पंजा लगा के उसको हराना है। ईबा इसमें तो काफी मजा आएगा, पहले चार जोड़ियां होंगी उनमें जो चार जन जीतेंगे उनका बीच में सेमीफाइनल होगा, उनमें जो दो जन जीतेंगे उनके बीच में फाइनल होगा। वाह 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 बिजली कड़क गई, इसका यह अर्थ है अब आसमान ने भी संकेत दे दिया है कि हम गेम को प्रारंभ करते हैं। चलो एक एक चुट्टी उठाओ सब, पता नहीं किसका नाम आएगा। मैं शशि बैन, अनुष्का की दादी। का कॉम्पिटिशन आया है, इसको तो हम यू ऐसे हरा देंगे। शीला ससुमा मैं ही जीतूंगी। मैं ब्रांडेड हूं और ब्रांडेड कभी हारती नहीं। हाँ ससमा रेडी। ये बिहार की रानी कहते हैं हमको, कभी हारना नहीं सीखा। ये देखो हम तो कुछ जोर भी नहीं लगा रहे फिर भी इसका जोया डार्लिंग यू कैन डू दिस। सबसे बड़ा मैच होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा मैच। फरवरी जी याद कीजिए वो पल जो आपने बिताए इस सोसाइटी में, अभी अभी मेरे दिल में
अभी ना जाऊं छोड़ के, अभी मुझ में कोई बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अब आएगा असली मजा। रेडी शर्मिला, मैं ब्रांडेड हूँ समझ गई? और ब्रांडेड कभी हारते नहीं। एक नंबर की कंजूस बखी चोर। घर देखा है? घर झोपड़ी रखती है झोपड़ी तुम्हारा घर। ब्रांडेड के सामने अनब्रांडेड लोग टिक ही नहीं सकता। पता नहीं चलता भी कैसे है तुम्हारा घर 3-4 हजार रुपए। अरे हमको तो 3-4 लाख कम पड़ जाए। घर में ही रहते, कभी होटल नहीं जाते, कभी बच्चों को तो कभी घुमाने नहीं लेके जाते। हमको देखो हम कितने ब्रांडेड है। ऊपर से बालों पे साड़ियां लेती है। क्या हो गया, थक गई? जीत गई मैं, जीत गए। तुम जीत तो गई सुमित्रा, पर मेरी नजरों में हमेशा के लिए हार गई। क्या क्या बोला था तुमने? मैं सबसे बड़ी कंजूस, मैं अपने बच्चों को कभी होटल लेके नहीं गई, उनको कभी घुमाने नहीं लेके गई, बालों पे साड़ियां खरीदने वाली औरत। अभी ये सब तुम करती हो इसलिए मैंने बोला, इसमें गलत क्या? भाई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुमित्रा ये सब बोलने की? दूसरे को कंजूस बोलती हो, खुद कितनी बड़ी कंजूस हो। अरे कंजूस तुम्हारे जैसे पूरी सोसाइटी में कोई नहीं। कभी इसने आज तक चाय पिलाने के लिए बुलाया घर पे? कभी नहीं बुलाया। खुद आती है दूसरों के घर जाती है चाय पीने के लिए, हमारे घर तो हमेशा पड़ी होती है। मैंने कभी कुछ बोला? दिन से सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक यहाँ पे होती, तुम्हें कुछ नहीं बोलती, खाती पीती सब हो और हमको कंजूस बोलती हो। हम कभी तुम्हारे घर आते हैं बालों पे साड़ी? खुद भी तो आती हो बालों पे साड़ी लेने के लिए, मेरे पीछे 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 बात करती है। और रही बात बच्चों को होटल, हमारे बच्चे घर का खाना पसंद करती है, तुम्हारे बच्चों जैसे नहीं है, उनके चौसले बाजी। शर्मिला